क्लास, 10+2, फिजिकल, लेसन नंबर दूसरा, प्रशिक्षण की ढंग या विधियां। अब इसमें MCQ जो क्वेश्चन है वो है, जिस तरह से खेल प्रशिक्षण एक खिलाड़ी की तैयारी का मुख्य रूप है, ये कथन किसने कहे? तो मैथ्यू ने। शरीर के गरमाने के कितने ढंग हैं? 2। तो इसमें से ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4, तो आपने क्या लिखना है? 2। आइसोमेट्रिक व्यायाम के उदाहरण क्या हैं? अब इसमें लिखा है उपरोक्त सभी। अब इसमें है बंद दरवाजे को धकेलना, यानी कि दरवाजे को खोलना, घुटने मोड़ना, पीठ से दीवार को दबाना, उपरोक्त सभी, यानी कि ये आएंगे। तो आइसोमेटोनिक व्यायाम के उदाहरण क्या हैं? बाल्टी उठाना, झूला झूलना, दंड पेलना, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी। आइसोकाइनेटिक व्यायाम के उदाहरण दें। अब चिन अप, रस्सी पर चढ़ना, भार ढोना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है। अब है यहाँ पे शरीर को गर्माने से प्रतिक्रिया समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब घट जाता है, कभी घटता है या कभी बढ़ता है, बढ़ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा घट जाना। यानी कि आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है? इससे पहला ऑप्शन है मांसपेशियां लंबी होती है, आइसोमेट्रिक व्यायाम में क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। अब क्रिया स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती और इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन आएगा, आइसोमेट्रिक व्यायाम में क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अब है हमारे शरीर की शक्ति को किस इकाई से मापा जाता है? तो पाउंड और डाइन में। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं 4। अब पाउंड और डाइन, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है किलोमीटर। तो इसमें आएगा पाउंड और डाइन। शरीर को कब गर्माना चाहिए? खेल के बाद, खेल से पहले, कभी नहीं, या अप्रयुक्त सभी। अब खेल से पहले। अब क्या खिलाड़ी को थकान का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, कभी कभी, अवश्य रखना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा अवश्य रखना चाहिए। अब क्या खिलाड़ी में किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए? इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, हाँ, अति आवश्यक है, कभी नहीं, नहीं, यह खतरनाक है, इससे लड़ाई हो सकती है। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है हाँ, अति आवश्यक है। कौन सी दौड़ें 20 से 45 मीटर की गति को बनाए रखने में लाभदायक हो सकती है? अब इसमें है त्वरण दौड़ें, यानी कि तेज़ी से दौड़ें, पेस दौड़ें, मध्यम गति की दौड़ें और छोटी दौड़ें। तो इसमें आएगा छोटी दौड़ें। अब निम्नलिखित में से ऊंचाई प्रशिक्षण कब से लोकप्रिय है? तो 16वें ओलंपियाड से, 17वें ओलंपियाड से, 18वें ओलंपियाड से, 19वें ओलंपियाड से। तो ये 19वें ओलंपियाड से है। गर्माने से क्या होता है? इसमें लचक आती है, इससे शक्ति बढ़ती है, इससे सहनशीलता बढ़ती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अब निम्न में से क्रॉस कंट्री किसका उदाहरण है? फाटलेक प्रशिक्षण विधि का, सर्किट प्रशिक्षण विधि का, अंतराल प्रशिक्षण विधि का, निरंतर प्रशिक्षण विधि का। तो ये आएगा निरंतर प्रशिक्षण विधि का। कौन सा व्यायाम विशेष रूप से मशीनों द्वारा किया जा सकता है? एरोबिक्स, आइसोकाइनेटिक्स, एलिसथेनिक और आइसोमेट्रिक। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आइसोकाइनेटिक, ये इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, आइसोकाइनेटिक। अब गति का सीधा संबंध व्यक्ति के किस अंग से है? केंद्रीय स्नायु संस्थान से है, बी ऑप्शन है पाचन तंत्र से है, सी ऑप्शन है दिल से है, डी ऑप्शन है फेफड़ों से है। तो केंद्रीय स्नायु संस्थान से। तो इस प्रकार से इसमें ये 33 क्वेश्चन हैं जो आपको लर्न करने हैं। ये 33 क्वेश्चन हैं। अब 33 क्वेश्चन हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अपने फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन हो गए और सेकंड के
हो गए, और एक थर्ड चैप्टर है उसके और क्वेश्चन हो जाएंगे छोटे, तो उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।